नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बंटी हिमाचली यूट्यूब चैनल में। आई होप आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, खुश होंगे। और आज की सुबह हुई है हमारे कुछ इस प्यारे से व्यू के साथ। आज का दिन काफ़ी अच्छा है और बट वेदर जो वो आज क्लियर नहीं है। मौसम आप देख सकते हो कैसा है, बादल ही बादल है। हेलीकॉप्टर को तकरीबन 3 दिन हो गए हैं फ्लाइंग नहीं हो, तो काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो रुके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है। तो हेलीकॉप्टर की बहुत दिक्कत हुई है इस बार मनीमहेश यात्रा 2024 में। बहुत दिनों से ना मौसम जो वो साथ नहीं दे रहा है मनीमहेश यात्रा में। जो मौसम है बहुत ख़राब चल रहा है इस बार। और स्टार्टिंग के डेट्स में आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी देखो पूरा बादल ही बादल छाए हुए हैं। जन्माष्टमी हो चुकी है, मैंने व्लॉग नहीं डाले हैं, उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरे इस बार बहुत काम मैंने छेड़ रखे हुए हैं जिसके कारण मैं टाइमली व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूं। और काफी लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी चला हुआ है। काफी लोगों के दर्शन अच्छे से हो रहे हैं और काफी लोगों को दिक्कत भी देखने को मिल रही है इस बार मनीमहेश यात्रा में। और इस बार काफी चीजें भी हुई हैं मनीमहेश यात्रा में, लोगों को, लोकल लोगों को लेकर, भद्रवाह के लोगों को लेकर, टूरिस्ट को लेकर, रोड को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, बहुत चीजें जो है सरकार प्रशासन ने कुछ भी काम नहीं करा है जिसके कारण बहुत गलत इंप्रेशन पड़ा है लोगों के लिए। और रही बात ट्रैफिक, वेदर की, रोड कंडीशन की, ये सब अपडेट्स में आज मैं आपको बताऊंगा कि मनीमहेश यात्रा में बाकी के दिनों में क्या क्या होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज देखने को चाहिए होती है। अब हमारा भरमौर जो है वो ट्राइबल एरिया में आता है, तो काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, जैसे भद्रवाह के लोग आते हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली वीडियो बहुत वायरल हो रही है, भद्रवाह के लोग लोकल लोगों के साथ मनीमहेश डल लेक में लड़ रहे थे और टेंट वगैरह उनके फाड़ रहे थे। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। 2-3 दिन पहले जन्माष्टमी थी तो काफ़ी क्राउड देखने को मिला है और रोड में ट्रैफिक इतना था। मेरे खुद के क्लाइंट्स जो वो चंबा से निकले हुए थे और उनको तकरीबन 1 दिन लग गया, यानी कि 14 घंटे, जो कि दो घंटे में लोग चंबा से भरमौर पहुंच जाते हैं, उनको तकरीबन 14 घंटे जो है भरमौर पहुंचने में लगे, इतना ट्रैफिक, इतनी जनता आई है। इस पर बहुत से लोग जो है, बहुत से यात्री जो है मनीमहेश यात्रा में आए हैं। काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया काफी क्राउड जो है सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, न्यूज चैनल में देखने को मिल रहा है, तो हम अभी आए या डिले करें, क्या करें। जन्माष्टमी देखो, जन्माष्टमी जो है वो छोटा स्नान माना जाता है मनीमहेश यात्रा में, तो काफ़ी लोग जो हैं वो जन्माष्टमी को स्नान करते हैं। और अभी जो है जन्माष्टमी हुए तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया, मैंने वीडियो काफ़ी रिकॉर्ड करी है, चैनल में आपको देखने को मिलेगी, बट ऐसा है कि मेरे बिजी शेड्यूल के कारण मैं जो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब को और कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ। बाकी वीडियोज़ तो टाइमली आते रहेंगी अब, क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। कह रहा था जन्माष्टमी को छोटा स्नान माना जाता है। और अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी जो यात्री जो जा रहे हैं, अभी थोड़ा रोड जो है वो खाली चले हुए हैं, बाकी आप देख सकते हो आज रोड जो है वो खाली है। बाकी थोड़े दिन पहले जो था यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ और यहाँ पे इतना ट्रैफिक जमा हुआ था। मेरा होमस्टे के बाहर का नज़ारा है ये, आप देख सकते हो। दोस्तों जन्माष्टमी में लोग छोटा स्नान मनाते हैं, मनीमहेश यात्रा जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक चलती है और छोटा स्नान माना जाता है जन्माष्टमी के दिन, तो उस दिन काफी लोग जो है, 2 दिन में 2 लाख लोग जो है मनीमहेश यात्रा में गए। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन 2 लाख लोगों ने जो है मनीमहेश डल झील में स्नान किया है, ये आप न्यूज चैनल और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हो। सी बात है, जब 2 लाख लोग मनीमहेश यात्रा में 2 दिन में पहुंचे हैं तो गाड़ी के और ट्रैफिक तो ऑटोमेटिकली रखना ही था। और पहाड़ों के रोड आपको पता ही कैसे होते हैं, सिंगल रोड होते हैं, यहाँ से अगर एक बस आ जाएगी तो कितनी देर में यहाँ पे पास दिया जाएगा। पहाड़ों में हाईवे तो बन नहीं सकता है, यहाँ के रोड ऐसे ही होते हैं। मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो वेदर जो है वो खराब हो जाए तो यहाँ पे रोड जो है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ को तभी तो ट्राइबल एरिया माना जाता है। पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप मनीमहेश यात्रा आ रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि इतना क्राउड है कैसे जाएं, तो अभी जन्माष्टमी हो चुकी है 2 दिन पहले, तो अभी जो है वो क्राउड बहुत कम है, रोड जो है वो खाली मिलेंगे आपको। और बट अगर आप मनीमहेश यात्रा में आ रहे हो तो अपना स्टे का ऑप्शन जरूर बुक कर कर आएं, क्योंकि स्टे का ऑप्शन पहले से इंतजाम कर कर आएं। यहाँ पे अगर आप आओगे पर्सनल गाड़ी जो आपको पार्किंग में मिलेगी और आपको स्टे का जो है वो पहले से ही बुक करवा कर आना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता ही है हमारा होम स्टे है और गेस्ट हाउस भी है, गेस्ट हाउस जो है वो हमारा भरमौर में है और होम स्टे जो है हमारा हटसर रोड में है, भरमौर से 2 किलोमीटर आगे। अगर आपको रूम्स चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर।
तो दोस्तों मैं स्टे का ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ बुक करने के लिए क्योंकि इतने अगर आपको इन चांस इतने ट्रैफिक में मणिमहेश यात्रा में पहुंच रहे हो, भरमौर लेट पहुंच रहे हो और ऑलरेडी इतना क्राउड है, वो आप रूम कब ढूंढोगे। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया अभी वेदर वगैरह कैसा चल रहा है, बारिश तो नहीं हो रही ज्यादा? और बीच में एक छोटी सी न्यूज भी आई थी कि मणिमहेश यात्रा के धनछो वाली जगह में एक छोटा सा ब्रिज है वो टूट चुका था। वो टूटा नहीं था, बीच से थोड़ा सा क्रैक हुआ था जिसके कारण जो है वो लोग अटक गए थे। टूटा नहीं था वो ब्रिज, में थोड़ा सा क्रैक आ गया था तो थोड़े लोग उस साइड फंस गए थे तो वहाँ पे काफी क्राउड आपको देखने को मिल रहा था जो कि वीडियो में वायरल हो। दोस्तों हम बताएंगे अपने व्लॉग से कि मणिमहेश यात्रा में डेली क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर करने में हेल्प करिए क्योंकि हमारे 1100 सब्सक्राइबर ही बाकी हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर करने को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी छोटी सी हेल्प जरूर करें। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हो और या फिर आप अभी सोच रहे हो कि हम मणिमहेश यात्रा में जाएं या नहीं जाएं, आप डर रहे हो वेदर को लेकर, रोड को लेकर, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। एंड आपको अगर मेरे थ्रू अगर कुछ फैसिलिटीज चाहिए, आप मेरे थ्रू मणिमहेश जाना चाहते हो, अपने ग्रुप के थ्रू, मेरा पैकेज का भी रहता है, भरमौर टू भरमौर भी मैं पैकेज देता हूँ, दिल्ली टू दिल्ली भी मैं पैकेज देता हूँ और आपको जो है उसमें फैसिलिटीज, गाइड, फूड, ट्रांसपोर्ट, मील, ये सब मिलेगी। बाकी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर। होम स्टे चाहिए तो आपको होम स्टे भी मैं दिलवा सकता हूँ, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें और आपकी हेल्प जरूर होगी। आज की ये छोटी सी अपडेट थी जो कि मैं ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। काफी लोग जो वो मैसेज करते हैं कि भैया आप गायब हो जाते हो, कहाँ रहते हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको जो है मेन बस स्टैंड से जो है छोटी मिनी ट्रैवलर भी मिल जाएगी। तो मौसम वगैरह तो आज बादल ही बादल है। चलिए दोस्तों आपसे हेलीकॉप्टर की बात भी कर लेते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर का भी काफी बड़ा इशू चल रहा है मणिमहेश यात्रा में। काफी लोग पूछ रहे हैं कि भैया हेलीकॉप्टर का क्या सिस्टम है, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। एक्चुअली बात ऐसी है, 2 या 3 दिन हो गए हैं लगातार हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं उठ रहा है क्योंकि मौसम जो है बीच में खराब हो जा रहा है। धूप लग रही है लेकिन बादली बादल हो रहे हैं, क्लाउड में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है, आपको पता ही होगा। अगर बादली बादल रहते हैं तो हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग नहीं होती है। सो जो पेंडिंग लोग बच रहे हैं, जैसे जो जिन्होंने आज की बुकिंग करवाई है, आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो उनको कल भेज रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ना बहुत से लोग हो गए हैं। तकरीबन 400 से 500 लोग जो हेलीकॉप्टर में आपको हेलीपैड में आपको देखने को मिलेगा और उनको रोक के रखा हुआ है। लोग परेशान है बेचारे, 4-4 दिनों से वो होटल में रूम लेकर बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से ही अब जो लोग ट्रैक से नहीं जा पाते हैं वो हेलीकॉप्टर से ही जा पाते हैं। लोग जो है वो बेचारे हेलीपैड में वेट कर रहे हैं, हेलीपैड आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। मारो मारो। दोस्तों मैं अपने क्लाइंट्स को जो वो बाय हेलीकॉप्टर भेजने के लिए गया था तो मैं तक पूरा एक दिन जो वो हेलीपैड में खड़ा रहा और वो वेदर का वेट करते रहे कि थोड़ा सा वेदर ठीक हो तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जा पाए। और उसी चक्कर में पूरा दिन हमने वेट करा, देखा हमने वेदर, बारिश लग पड़ रही थी, कभी धूप लग पड़ रही थी, तो बादल जो है वो बहुत दिक्कत कर रहे हैं इस बार मणिमहेश यात्रा में। हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है और लोगों को ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि भैया ऑफलाइन अगर हम आएंगे तो ऑफलाइन हमें टिकट्स मिल जाएंगी, तो ऑफलाइन तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल ही मना कर दे रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे थे कि हमारे फैमिली में सीनियर सिटीजन जो हैं वो बाय ट्रैक नहीं जा सकते हैं तो भैया उनको हेलीकॉप्टर के साथ ही भेजेंगे, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मेरा छोटा सा सजेशन यही है, अगर आपके जो हैं आपकी फैमिली मेंबर्स बाय ट्रैक नहीं जा सकते उनको भरमौर ले आइए। बट अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है तो आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो कि भैया टिकट्स का अगर मेरे थ्रू कुछ आपकी हेल्प होगी तो मैं जरूर करूंगा आपकी जो है टिकट्स अरेंज करने में। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। आज काफी बातें कर ली हैं आपके साथ, काफी अपडेट्स आपको दे दी हैं। मिलते फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, नई अपडेट के साथ। चैनल
को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मणिमहेश यात्रा में मोस्ट वेलकम है आप सभी का। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूले, बंटी हिमाचली यूजर नेम की आईडी से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। एक सबसे जरूरी बात, मेरे चैनल को 1100 सब्सक्राइबर चाहिए। 1,00,000 सब्सक्राइबर करने के लिए बस आपका 1 सब्सक्राइब का बटन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके साथ फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव।